नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज। अगछवर दे देवी शंकर प्रिय के मंत्रोच्चार के साथ शनिवार को दानापुर में अलग अलग स्थानों के विभिन्न पूजा समितियों द्वारा बेल वृक्ष के निकट माता का अधिवास उद्बोधन किया गया। शारदीय नवरात्र के माँ अष्टी को विल्वा विमंत्रण देवी बोधन व अधिवास अनुष्ठान किया गया। नगर के प्रमुख पूजा समितियों की ओर से गाजे बाजे ढोल नगारे व झाल मंजीरों के साथ मनोहरी शोभा यात्रा निकाली गई। बस पड़ाव स्थित पशु अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में वेल ब्रिज के नीचे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आचार्य अभय झा एवं आचार्य गोपाल मिश्र की आचार्यत्व में अनुष्ठान सम्पन्न हुई। इससे पूर्व शनिवार को शारदीय नवरात्र के महापष्टी को माँ भगवती के विविध नौ रूपों में माता कात्यायनी स्वरूप में पूरे विधि विधान के मंत्र वेद मंत्रों सहित उपासकों ने पूजा अर्चना की शुरुआत की। वहीं संध्या बेला में नगर के पेटिया बाजार श्री श्री बड़ी देवी जी सेवा समिति की ओर से 21 थाल, मछुआ टोली स्थित श्री 108 काली पूजा समिति के 151 थाल, सदर बाजार शिव मंदिर 11 थाल, महावीर मंदिर समेत अन्य पूजा समितियों द्वारा विल्वा विमंत्रण देवी बोधन व अधिवास के लिए थालों से सुसज्जित पंचमेव मिष्ठान फल व फूल पान के साथ मनोहरी शोभा यात्रा निकालकर नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए बस पड़ाव में धार्मिक अनुष्ठान के लिए पहुंची, जिससे पूरा नगर माता की जयकारा से गुंजमय हो उठा। इस मौके पर सैकड़ों महिला एवं पुरुष उपस्थित होकर भक्ति में झूमते रहे, जहां बेल वृक्ष के समक्ष आचार्य अभय झा, आचार्य गोपाल कुमार मिश्र, मृत्युंजय पांडे, आचार्य विकास झा, महंत बबन झा दास आदि पुरोहितों के सानिध्य में अनुष्ठान सम्पन्न हुए। आचार्य रवि शास्त्री जी ने बताया कि महासप्तमी को रविवार की अहले सुबह पत्रिका प्रवेश, देवी पूजा, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठान पूजा, देव बलिदान भोग और आरती के साथ पुष्पांजलि अर्पित किया जाएगा। उसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा का पट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। जय माता दी। आज भगवती दुर्गा का जो है विशेष पूजन आज से आरंभ होता है। मूल रूप से यह जो कुवार का महीना है, आश्विन का महीना, इसमें भगवती को आमंत्रित किया जाता है। वैसे तो भगवती पूरे वर्ष जो है विद्यमान रहते हैं, लेकिन ये जो षष्ठी का जो दिन है, इसमें विल्वा विमंत्रण करते हैं भगवती के नेत्रोत्पाटन के लिए, आँख खोलने के लिए, भगवती के प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग यह विल्वा विमंत्रण करते हैं। यहाँ से अभिमंत्रित करके भगवती को ले जाते हैं। वहाँ नौ पत्रिका जो नौ स्वरूप में भगवती का आवाहन करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके और पुनः जो है उनको मूर्ति में स्थापित करते हैं। यह एक विशेष महत्व है भगवती का षष्ठी के दिन से। मूल रूप से जब भगवती की हम पूर्णायुक्ति करते हैं और उससे पूर्व तीन दिन तक जो है महापूजा हम करते हैं, जिसमें प्रथम महापूजा विल्वा अभिमंत्रण जो बिल्वोदन आज हमने किया है, इसके बाद पत्रिका प्रवेश जो भगवती की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और पत्रिका प्रवेश के बाद रात्रि में महारात्रि निशा पूजा होता है जो भगवती की अष्टम स्वरूप का किया जाता है। उसके बाद अगले दिन जो है नौवें स्वरूप भगवती महागौरी का पूजन किया जाता है, सिद्धिदात्री महागौरी के पश्चात सिद्धिदात्री का पूजन करके और भगवती को प्रकर्षित करके अंतिम दिन दसवें दिन जो है भगवती के नौवें स्वरूप जो है का पूजन करके उनको प्रतिष्ठित करके और भगवती का विसर्जन कर देते हैं। आज का विशेष पूजन जो है विल्वा विमंत्रण हम लोग किया, जिससे मेरा नाम रवि शास्त्री।